एक और डीलर जुड़े हुए हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मैं ना सोनू हूँ। सोनू आपका नाम है सर, आप कहाँ से हैं? लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर से? तो आप बाहुबली के साथ कैसे जुड़े और आप इसके पहले क्या करते थे? इससे पहले भी एक रिक्शा की डीलरशिप हमने ली थी, लेकिन किसी कारण वो छोड़ दी थी, कुछ कंप्लेंट ज्यादा हो रही थी इसलिए छोड़ दी उसको। बाद में फिर डीलरशिप जो है ना बाहुबली के लिए, तो धीरे धीरे करके बहुत अच्छा ग्रोथ किया हम लोगों ने, और सारी समस्याएं जो भी होती हैं वो भी हमारे यहाँ पे सुनवाई होती है। इससे पहले जब एजेंसी का काम करते थे हम लोग कंपनी का, वो कभी सुनवाई नहीं करते थे वो लोग, तो इसलिए उसको हमने छोड़ दिया था। लेकिन आज जो बाहुबली के साथ हमारा है वो बहुत अच्छा है। तो क्या आपके साथ भी ये दिक्कत आती कि पहले के जो पुराने जो डीलर से आपने सामान लिया हुआ था उनके सामान नहीं निकलने की वजह से आप बाहुबली से नहीं जुड़ पा रहे थे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जुड़ना तो चाह रहे थे, कई बार बात भी हुई थी जी, लेकिन फिर बात नहीं हो पाई थोड़े महीने तक। उसके बाद में फिर हम लोग जुड़े हैं, तब से आज तक जुड़े ही हैं। तो आप बाहुबली से जुड़ने से पहले, वो डीलर बनने से पहले, आप उसके पहले क्या कर रहे थे? उसके पहले तो जनरल इंश्योरेंस का काम करते थे हम लोग, बिजनेस में ही थे, मतलब बिजनेस में ही थे। तो आप मतलब बाहुबली से आप इतना अट्रैक्ट कैसे हो गए? और भी तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं मार्केट में। बाहुबली की खूबियां जो थी वो हमारे अमित जी हैं, उन्होंने गिनाई थी तो हम लोगों को प्रभावित किया। जैसे कि हमें बताइए। जैसे कि बहुत अच्छी चीजें, मतलब ऑटो जो है ना बहुत मजबूती का है, अच्छा सा है, हर फैसिलिटी उसमें है, और कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है उसमें फिलहाल, मोटर कंट्रोलर में नहीं रखी गई, तो ये सब सारी चीजें प्रभावित थी, तो इसलिए हम लोगों ने उसको लिया। क्योंकि साल साल दो साल हो जाता था, किसी प्रकार कोई कंप्लेंट नहीं आती है इसमें, इसलिए हम लोगों को अच्छा लगा, तो हम लोग वही बेच रहे हैं अब तक माल। तो आप ऑपरेट कहाँ से करते हैं? मतलब आप ऑपरेट आप लखीमपुर से करते हैं या फिर आप यहाँ से करते हैं? डीलर हैं आप, तो कहाँ से आप देते हैं माल? तो यहीं जाता है। अच्छा, आपका यहीं से माल जाता है। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे कि हमने सुना होगा कि लहर आ गई है एकदम इंडिया में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चल रहे हैं हर जगह, तो अब आपका क्या कहना है इस पे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितना फ्रूटफुल है हमारे आगे के जनरेशन के लिए? इलेक्ट्रिक का आगे चल के जमाना ही सारा आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल सीएनजी डीजल तो पल्ले हो गए, इलेक्ट्रिक का ही जमाना है यार आगे चल के, तो अधिक से अधिक हो ही रहा है। तो इसका आगे के जनरेशन पे क्या मतलब क्या असर पड़ेगा? असर क्या, हर एक चीज तो इलेक्ट्रिक में ही आ जाए, जैसे बसे हैं, कारें हैं, अपने स्कूटर हैं, और ये अपने ऑटो तो हो ही रहे हैं, बस ये कि सब बेहतर चल ही रहा है सब चीज। एक और सवाल है आपसे कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप आपने डीलर से शुरू किया, आपने कभी सोचा था कि मतलब यहाँ तक पहुँच पाएंगे? हाँ, इतना ग्रोथ जो है ना हम लोगों ने इलेक्ट्रिक में किया है बहुत अच्छा किया है। पहले तो हम लोग बहुत नॉर्मल थे कि चार गाड़ी से हम लोगों ने शुरुआत किया था, और इतना पैसा भी नहीं था हम लोगों के पास में कि इतना मतलब वो एक साथ माल मंगा ले हम लोग, तो चार गाड़ी से शुरुआत किया था। आज करीब 20-20 गाड़ी हम लोग मंगाते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, और हर एक चीज फैसिलिटी भी हम लोगों के पास में है, मतलब जो कभी सोचा नहीं था कि हमारे पास में होगा वो भी आज हमारे पास में है। हर चीज है, अपना मकान है, गाड़ी है अपनी, हर चीज बहुत कुछ, बहुत अच्छी ग्रोथ किया हम लोगों ने। तो ये थे हमारे डीलर सोनू जी, तो आज भी अपना बाहुबली रिक्शा बुक करें जो कि चले इंडिया की गली गली।